हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल बम्पाड़ एजुकेशन एंड हियर वी आर विद लिविंग प्लेनेट, अ बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 3 डीपीएस एंड नाउ वी आर इन यूनिट 6 साइंस एंड एनवायरमेंट, विज्ञान और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे एंड चैप्टर नंबर 19 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में। ठीक है, वार्म अप, पहले वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा गर्म हो लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड मार्क द लिविंग थिंग्स एज एल एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज एन। ठीक है, चित्र को देखो और इसमें जो जीवित चीज है उसमें एल लिखो और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें एन, मतलब सजीव चीज में एल लिखना है और निर्जीव चीजों में एन लिखना है। हाउ कैन यू से आर सर्टेन लिविंग और नॉन लिविंग, आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज जीवित है और ये निर्जीव है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रखे हैं प्लांट्स हैं, यहाँ पर फ्रॉग है, यहाँ पर लोटस का फ्लावर है, लेकिन यहीं पर क्या है, पानी भी है। ठीक है, और ये एक सूखी लकड़ी है, तो जो इसमें है ये जो सूखी लकड़ी है, वुड है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन यहाँ पर जो घास है, ये फ्रॉग है, लोटस है, ये सब लिविंग थिंग्स है, और ये पानी है जो, ये भी क्या है, नॉन लिविंग है। इसके अलावा देखते हैं नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक, और मैन मेड थिंग जो आदमी द्वारा बनाई गई होती है। देयर आर वंडरफुल थिंग्स अराउंड, हमारे चारों तरफ बहुत शानदार चीजें हैं। थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट, द सन, द मून, द स्टार्स, माउंटेन्स, रिवर्स, एयर एंड वाटर आर मेड बाय नेचर। जो चीजें जैसे जानवर हैं, पौधे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, और हवा और पानी, ये किसके द्वारा बना, प्रकृति के द्वारा। नेचर मतलब प्रकृति, दे आर कॉल्ड नेचुरल, ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक चीजें कहलाती है। थिंग्स लाइक टॉयज, कार्स, बसेस, रोड्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स आर मेड बाय मैन, और जो चीजें हैं उसमें खिलौने, कार, बस, रोड, सड़कें, ब्रिज, पुल और जो बड़ी बड़ी इमारतें, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, आदमी द्वारा। दे आर कॉल्ड मैन मेड, इनको व्यक्ति द्वारा निर्मित चीजें कहा जाता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मतलब सजीव और निर्जीव चीजें। एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी हमारे तरफ चारों तरफ चीजें उनको हम दो समूह में बांट सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, जो पौधे हैं, जानवर हैं, चिड़िया हैं, कीड़े मकोड़े छोटे, और जितना भी मानव समाज है, ह्यूमन बींग, जितने भी आदमी हैं, वो क्या है, सब सजीव चीजें हैं। नाउ द सन, द मून, द स्टार्स, माउंटेन्स, रिवर्स, एयर, वाटर, क्लोज, शिप्स, कार्स, बसेस, रोड्स एक्स्ट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स, जो आपका सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पर्वत है, नदियां हैं, और हवा, पानी, क्लोज, कपड़े, शिप, जहाज, कार, बस है, रोड है, सड़कें इत्यादि, ये क्या है, नॉन निर्जीव चीजें हैं। हाउ डू यू नो सर्टेन थिंग्स अराउंड यू आर लिविंग, आप कैसे जानते हो कि जो चीजें आपके चारों तरफ है वो सजीव है। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स में लिविंग थिंग्स क्या है, देखिए बच्चे हैं, जा रहे हैं, ये खरगोश है, दौड़ रहा है, ये पौधे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, ये एक शर्ट है, कपड़े की बनी हुई, ये आपका एक जहाज है जो विभिन्न धातुओं से बना है, कार भी धातुओं से बनी हुई है, और ये क्या है, बस है। नॉन लिविंग थिंग्स में निर्जीव चीजें। अब एक्टिविटी नंबर एक, जो आपको कार्रवाई करनी है, डिवाइड यूर सेल्फ इन ग्रुप ऑफ फोर, और अपने पूरे चार या पांच के समूह में बांट लेना है। ईच ग्रुप शुड कट आउट 20 पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड पेज देम ऑन टू सेपरेट चार्ट विद हेडिंग्स एज लिविंग थिंग्स। तो बच्चों को, आपको अपनी क्यूरियोसिटी और अपना नॉलेज बढ़ाना, क्या करना है, 20 अलग अलग चीजें काटनी है, जिसमें क्या है, पौधे भी हों, जानवर भी हों, और ऐसे ऑब्जेक्ट हों जिनको सेपरेट पेपर में आपने सजीव और निर्जीव चीज करके लगाकर लिखना है। लेटर इच ग्रुप में स्टैंड एट अ टाइम विद इट्स रेस्पेक्टिव और गिव रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। बाद में उसी ग्रुप ने क्या, अपना टाइम के साथ एक चार्ट लेकर जो बनाया आपने, खड़ा और रीजन देना है, कारण बताना है कि ऐसा क्लासेस सजीव और निर्जीव क्लासिफिकेशन क्यों किया और क्या रीजन है कि वो सजीव है और निर्जीव है। इससे क्या होगा, बच्चा इजीली ग्रो करे, समझेगा, ठीक है, चीजें सजीव और निर्जीव क्यों होती है। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अब ये क्या है, लक्षण या चरित्र, कैसे मतलब पता लगेगा कि सजीव चीज क्या, फीचर्स क्या है उसके। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर्स, जितनी भी सजीव चीज है उनके कुछ विशेष गुण होते हैं, सच एज दे, जैसे वो ग्रो, बढ़ते हैं, मूव, चलते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, नीड फूड, उन्हें जरूरत होती है खाने की, रिप्रोड्यूस मतलब उन्हें प्रजनन होता है, फील उनको महसूस होता है, और वो सांस लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ, ग्रोथ मतलब कि वृद्धि, बढ़ना किसी भी चीज का।
यू मस्ट हैव सीन स्मॉल बेबीज ग्रोइंग बिगर, आप देखते हो छोटे बच्चे बड़े होते हुए. दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग थिंग ग्रो, क्योंकि जितनी भी सजीव चीजें हैं वो बढ़ती हैं. लाइक वाइज जैसे कि पपीज ग्रो इंटू, जो छोटे पपीज होते हैं, छोटे पिल्ले होते हैं कुत्ते के, वो क्या बड़े कुत्ते बन जाते हैं. एंड किटन्स ग्रो, छोटी जो किटन्स होती है बिल्लियां होती हैं, बड़ी बिल्लियां बन जाती हैं. यू हैव ऑल्सो ग्रोन बिगर एंड टालर सिंस लास्ट, आप भी पिछले साल के मुकाबले बड़े और लंबे हो गए हो. इधर पे आपको पिक्टोरियल इसमें भी दिखा रखा चित्र में, अ बेबी ग्रो, ए बेबी गर्ल ग्रोज इन टू, एक छोटी सी बेबी जो घुटनों के बल चल रही है वो बाद में एक बड़ी लड़की बन गई है. ठीक है, अ बेबी प्लांट ग्रो इन टू बिगर प्लांट, एक छोटा पौधा है उसको क्या आप बढ़ते हुए एक बड़ा प्लांट बनते हुए देख रहे हो. लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल प्लांट्स आल्सो, जैसे कि जानवर और इंसान बढ़ते हैं उसी तरह के पौधों का भी विकास होता है, वृद्धि होती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, आ कार रिमेन द सेम साइज ऑलवेज, जो निर्जीव चीजें हैं वो नहीं बढ़ती है, एक कार है वो हमेशा उसी साइज की रहती है. नाउ एक्टिविटी टू, जो क्या कार्यविधि करनी है आपने, क्रियाविधि करनी है, कलेक्ट योर ओन फोटोग्राफ व्हेन यू वर अ बेबी, अपनी फोटोग्राफ लो जब तुम छोटे बच्चे थे, कंपेयर इट विद योर रिसेंट फोटोग्राफ, इसको कंपेयर करो अपनी आज की फोटोग्राफ से. डू यू फाइंड एनी, क्या तुम्हें कोई अंतर महसूस होता है, डिस्कस विद यू अपने पेरेंट्स के साथ उसकी क्या बारे में विचार करो, बातचीत करो. नाउ मूवमेंट मतलब गतिविधि, एक यू नीड टू मूव फ्रॉम योर होम टू रीच, आप अपने स्कूल जाने के लिए अपने क्या करते हो, अपने घर से निकलते हो. यू होम टू रीच, यू अपने पहुंचने के लिए घर से क्या होता है, मूव करते हो, गतिविधि करते हो. सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, इसी तरीके से आप बहुत सारे जानवरों को और पक्षियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, किसके लिए, खाने की सर्च, भोजन की खोज के लिए, या शेल्टर, जगह ढूंढने अपने रहने के लिए जाते हुए देखते हो. एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ दियर लेग्स, जानवर अपने पैरों से क्या करते हैं, गति करते हैं, चलते हैं. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, जो पक्षी हैं वो अपने पंखों से उड़ते हैं. एंड फिश स्विम विद देयर, और जो फिन्स होते हैं, जो उनके डैने होते हैं, जो पंख फिन्स होते हैं, उनसे क्या करती है, फिश तैरती है. प्लांट्स रिमेन रिफिक्स टू द सोयल सो दे कैन नॉट, प्लांट्स क्या है, पौधे क्या होते हैं, मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सोयल मतलब जमीन से, वो इसलिए मूवमेंट नहीं होते. दे शो मूवमेंट इन दियर बॉडी पार्ट्स, उनकी मूवमेंट, उनकी गतिविधि क्या होती है, उनके बॉडी विभिन्न, उनके जो भाग होते हैं शरीर के उसमें दिखाई देता है. द प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट फोर्ड सी इवेंट टच, अगर आप छुई मुई के पौधे, टच मी नॉट किसको छुई मुई कहते हैं, उसे छुओगे तो क्या होगा, अपने लीव्स को बंद कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं. द सनफ्लावर शोज मूवमेंट एज इट टर्न्स टू फेस द, जहां की तरफ सूर्य होगा वहीं पर सूर्यमुखी का पौधा अपना मूवमेंट करेगा, अपनी गतिविधि दिखाएगा. यहाँ पर आपको दिखाया भी है, टच मी नॉट प्लांट फोर्ड इज इवेंट, ये दिखा रखा, टच मी नॉट, जैसे छुआ उसने अपनी पंखुड़ियां बंद कर ली. सनफ्लावर टर्न टू फेस, जैसे जहां की तरफ सूर्य वहीं को सूर्यमुखी का पौधा अपना फूल कर लेगा. एक्टिविटी थ्री, तीसरी गतिविधि आपको बता रही है कि कीप योर टॉय कार ऑन अ टेबल, अपनी जो टॉय कार है उसको मेज पे रखो. व्हाट डू यू सी आफ्टर, क्या देखते हो आप, डिड इट मूव फ्रॉम इट्स, क्या वो अपनी जगह से चल रही है. नाउ पुश इट विद, अब उसे अपने हाथ से धक्का दो, योर टॉय गेट कार गेट शिफ्टेड टू, तो वो एक जगह अपनी कार दूसरी जगह चले जाएगी. कब, जब आपने धक्का दिया. कार्स बसेस ट्रेन्स मशीन्स एक्स्ट्रा डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, तो कार है, बस है, ट्रेन है, मशीन से ये इत्यादि क्या है, वो अपना आप नहीं चलती है, उनको क्या होता है, इसीलिए निर्जीव चीजें कहते हैं. नाउ नीड फॉर फूड, खाने की आवश्यकता, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव, जितनी भी जीवित चीजें हैं उनको जिंदा रहने के लिए या अपनी वृद्धि करने के लिए क्या खाने की जरूरत होती है. दे कैन नॉट लिव विदाउट फूड, ये खाने के बिना जीवित नहीं रह सकती है. फूड गिव देम एनर्जी टू ग्रो एंड वर्क, खाना उनको कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा देता है ताकि वो बढ़ सके और कार्य कर सके, वर्क मतलब कार्य करना. ठीक है, द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, जो हम खाना खाते हैं वो हमसे कहाँ से मिलता है, जानवरों से या प्लांट्स पौधों से. एनिमल्स आल्सो फीड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जो जानवर होते हैं वो भी क्या होता है, दूसरे पौधों पर या दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो क्या है, जानवर हैं और जो ह्यूमंस हैं, मानव वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस सनलाइट, जबकि जो हरे पौधे हैं वो सूरज की रोशनी में खुद का खाना तैयार कर सकते हैं. यूजिंग वाटर एंड कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की सहायता से क्या होता है, वो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं सूर्य की रोशनी में. नॉन लिविंग डू नॉट नीड फूड बिकॉज दे डू नॉट ग्रो,
तो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो निर्जीव चीजें हैं उनको खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी ग्रोथ उनका विकास नहीं हो रहा है। डज योर डॉल नीड फूड, क्या आपकी गुड़िया को खाने की आवश्यकता है? डज योर टॉय सुपरमैन नीड फूड, क्या तुम्हारा जो सुपरमैन का खिलौना है उसको खाने की जरूरत? नो दे डू नॉट, नहीं उनको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिखा भी रखा है पिक्चर में कैसे खाना, कैसे काओ खाना खा रही है, कैसे इधर सूरज की रोशनी से पौधे को खाना मिल रहा है। अभी बर्थ टू पपीज, ऐसी तरीके से इधर पे एक बिच है, कुतिया, उसके बच्चे हो रखे हैं। ठीक है, पपीज और कैट की किटन और बिल्ली ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया हुआ है। नाउ रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। ठीक है, दियर इज अ पिक्चर, चिक हैचेस फ्रॉम, कैसे एक अंडे से एक चूजा निकलता है। ठीक है, हैच जब वो सिकाई होती है फूटता है, ये चिक हैचिंग ऑफ जब सिकाई होती है उसे निकलता है, फिर एक चिक बनता है, छोटा सा मुर्गे का बच्चा बनता है, और फिर एक ये बड़ा सा क्या होता है चिड़िया बन जाती है। ठीक है, चूजा है फिर यहाँ पर चिड़िया है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन टू प्रोड्यूस यंग लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। प्रजनन का मतलब क्या, अपने जैसे ही दूसरा नए जीव का क्या है विकास करना है, पैदा करना। ठीक है, अपने जैसा ही। एनिमल्स लाइक डॉग कैट लायन टाइगर एक्स्ट्रा गिव बर्थ टू द बेबी, जितने भी जानवर है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चीता है, काऊ है, गाय इत्यादि क्या करते हैं, अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देती हैं, अपने बच्चे जन्म देती हैं उनको प्रजनन किस द्वारा। एनिमल्स लाइक बर्ड्स फिशेस स्नेक्स इंसेक्ट ले एग्स, जो जानवर है जैसे चिड़िया है, मछलियां हैं, सांप हैं, कीड़े मकोड़े, वो कहते हैं अंडे देते हैं। दीज एग्स हैच इनटू बेबी, इन्हीं जब अंडों की सिकाई होती है तो फूटता है, हैच मतलब फूटना, उससे क्या होता है बेबी यानी छोटे जानवर निकलते हैं। प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स, और जो पौधे हैं वो नए पौधे किससे तैयार होते हैं, बीजों से, सीड्स मतलब बीज। ठीक है, प्लांट्स लाइक पी ग्रैम वीट एक्स्ट्रा ग्रो फ्रॉम दियर सीड्स, जितने भी पौधे जैसे मटर है, चना है और गेहूं है, ये क्या होता है अपने ही बीजों से पैदा होते हैं। सम प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम दियर लीव्स, और कुछ पौधे ऐसे थे जो अपने नए प्लांट्स के पत्तों से या उनके तने से क्या होता है पैदा होते हैं नए पौधे। अगर सीड ग्रोइंग इनटू अ यंग प्लांट, कैसे देखो आपको बीज कैसे एक बड़ा प्लांट बन रहा है। बेबी प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द नोचिस ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की लीव से ही क्या होता है नए पौधे निकलने लग जाते हैं। ठीक है, बेबी प्लांट्स कमिंग आउट फ्रॉम आईज ऑफ, तो ये आंख होती है जो किसकी, आपने आलू में देख रख दोगे तो कुछ दिन नए उसमें अंकुरित नए पौधे निकल जाएंगे। नॉन लिविंग सी डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो भी निर्जीव चीजें उन्होंने प्रजनन नहीं होता है। कैन योर फेवरेट टॉय कार मेक बेबी कार्स, क्या आपकी छोटी कार से वो अपने छोटे नई कार बना सकते बेबी कार्स। कैन योर डॉल प्रोड्यूस बेबी डॉल, क्या तुम्हारी गुड़िया बेबी डॉल पैदा कर सकती है? नो बिकॉज टॉयज, क्योंकि खिलौने निर्जीव हैं, चीजें हैं। फीलिंग मतलब कोई चीज को महसूस करना। ठीक है, All living things feel the change in their surrounding, जितनी भी जीवित चीजें हैं उनके आसपास चारों तरफ कुछ भी बदलाव हो रहा है तो वो महसूस करते हैं। Can you feel the hotness of warm water and the coolness of ice, क्या आप गर्म पानी की गर्माहट और ठंडे आइस क्यूब की ठंडाहट महसूस करते हो, ठंड महसूस करते हो? What happens when you touch a hot or cold, क्या होता है जब आप कोई गर्म या ठंडी चीज को छूते हो? Do you feel pain when you get, जब तुम्हें चोट लगती है तुम्हें दर्द महसूस होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन ऑल्सो फील द चेंज इन दियर सराउंडिंग्स, जितने भी जानवर हैं पौधे हैं वो अपने आसपास की चीजों के बदलाव जो भी हो रहा होता है उसको महसूस करते हैं। यू हैव लर्न दैट द लीव्स ऑफ टच मी नॉट फ्रॉम फोर्ड वेंटेज, आपने पढ़ा, ठीक है आपने भी देखा था जो उसके टच मी नॉट छुई मुई का पौधा उसको टच करने से बंद हो जाता है। एनिमल्स ऑल्सो क्राई इन पेन वेन दे गेट हर्ट, जानवर भी क्या होते हैं जब उनको चोट लगती है, जब उनको तो वो भी क्या कहते हैं पेन दुख में रोते हैं। नीड टू ब्रीथ, सांस लेने की जरूरत, श्वसन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन, इट कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस लाइक मूवमेंट एंड डाइजेशन, जितनी भी जीवित चीजें उनको क्या है हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो चाहिए ताकि उनके शरीर के बहुत सारी गतिविधियां चल सके, जैसे चलना और पाचन। ठीक है, खाना को जो पचना, डाइजेशन। This is done by breathing in air. ये हवा में जो सांस लेते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है पाचन और हम जो भी कोई मूवमेंट करते हैं गतिविधि करते हैं। The body takes in oxygen and air gives out carbon. शरीर हमारा क्या है हवा में मौजूद ऑक्सीजन को लेता है और क्या निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। All land animals and human breathe through lungs. जितने भी land animals हैं मतलब जमीन पे रहे एनिमल और मानव हैं वो किसके अपने फेफड़ों के द्वारा सांस। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, तो इसी में
गलफड़े होते हैं जो फिश के, मछली के गिल्स गलफड़े, उनसे क्या होते हैं श्वसन करते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू ईयर और ऐसी कीड़ मकोड़ों के क्या होते हैं हवा के लिए छिद्र बने होते हैं, उनसे वो सांस लेते हैं। प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, पौधे भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द, तो इनके में छोटे छोटे स्टोमेटा रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं टीनी पोर, छोटे वो उनके जो पत्तों में होते हैं उनसे वो क्या होता है सांस लेते हैं पौधे भी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड देयर दे डू नॉट, जो जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनके कोई बॉडी का फंक्शन नहीं होता है, इसलिए उन्हें किसी भी सांस लेने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ कह रहे हैं डू यू नो क्या फॉग फ्रॉग ब्रीथ थ्रो इट्स स्किन इन वाटर थ्रो लंग्स ऑन लैंड, तो ये जब जो आपका मेंढक है जब ये पानी में होता है तो अपनी सांस किससे लेता है, ये स्किन त्वचा से, और जब लैंड में जमीन पर होता है तो क्या कहते हैं ये अपने लंग्स फेफड़ों से, क्योंकि एम्फीबियन है मतलब ये पानी में भी रह सकता है जमीन पर भी। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा फाउंड, तो इधर पे स्टोमेटा दिखा रखे छोटे छोटे रंध्र दिखा रखे इसके द्वारा लेता है, ठीक है। एक्टिविटी फोर क्या बता रखा है आपको, पुट योर हैंड नियर योर नॉस्ट्रिल, अपने जो हाथ है अपने नॉस्ट्रिल क्या होते हैं जो छिद्र होते हैं नाखों के छिद्र उनके पास ले। डू यू फील ईयर कमिंग आउट ऑफ योर नोज, क्या आपको हवा महसूस हो रही है जो आप आपके नाक से निकल रही है, ठीक है। नाउ पुट योर हैंड बिलो द नॉस्ट्रिल ऑफ अ डॉल और अ टॉय, और अपना हाथ के अपने डॉल या टॉय कोई खिलौना है या कोई गुड़िया है उसके नाक के पास ले जाओ। डू यू फील ईयर कमिंग आउट ऑफ, क्या आपको महसूस हो रहा है कोई हवा निकल रही है उसकी नाक से। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, जो चीजों का हमारे शरीर से निकलना होता है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्लांट्स वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडीज का, जितनी भी गंदी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर से उनका निष्कासन निकल जाना, रिमूवल मतलब निकल जाना निष्कासन, उसको क्या कहते हैं उत्सर्जन। ऑल लिविंग थिंग्स गिव आउट देयर वे फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोएक्स, जितनी भी जीवित चीजें हैं वो अपने शरीर की जितनी गंदगी होती है उस जो प्रक्रिया होती है शरीर से बाहर निकालने की उसको कहते हैं उत्सर्जन या एक्रीशन। नॉन लिविंग से डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द बॉडी फंक्शन, जो निर्जीव चीजें हैं वो बॉडी कोई भी फंक्शन नहीं करते हैं, देयरफॉर डू नॉट एक्सक्रीट, इसलिए वो किसी भी चीज का उत्सर्जन नहीं करती है। लर्न दीज टर्म्स, अब ये याद करने वाली जो चीजें हैं, रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस अपने ही तरीके का दूसरा पैदा करना, ब्रीथिंग टू टेक इन ऑक्सीजन गिव आउट ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, स्टोमेटा रंध्र स्मॉल पोर्स सरफेस, जो सतह में लीव्स के पत्तियों के सतह में छोटे छोटे पोर्स होते हैं छेद होते हैं स्टोमेटा कहते हैं रंध्र कहते हैं। एक्सक्रीशन उत्सर्जन रिमूवल वेस्ट मटेरियल, उत्सर्जन का मतलब कि अपने शरीर से जो गंदगी या खराब जो चीजें होती है उनको बाहर निकालना। रिमेंबर नाउ व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर, रिमेंबर थिंग्स अराउंड अस आर एदर नेचुरल और मैनमेड, जो हमारे चारों तरफ चीज होती है या तो प्राकृतिक होती है या आदमी द्वारा बनाई गई होती है। प्लांट्स एनिमल ह्यूमंस बीइंग अन लिविंग थिंग, जितने भी पौधे हैं जानवर है और मनुष्य है वो हमारे क्या कहते हैं सजीव चीजें। लिविंग थिंग्स ग्रो मूव नीड फूड रिप्रोड्यूस फील ब्रीथ एंड एक्सक्रीट, जितनी भी जीवी चीजें हैं उनका क्या होता है वृद्धि होती है उसमें गति होती है, खाना चाहिए उन्हें, उनमें प्रजनन होता है, उनको महसूस होता है, वो सांस लेते हैं और वो उत्सर्जन करते हैं। नॉन लिविंग से डू नॉट ग्रो, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो ना बढ़ती हैं ना कोई गति होती है ना उन खाने की जरूरत होती है ना वो प्रजनन कर सकती हैं ना वो महसूस करती हैं ना उनको सांस लेते हैं ना वो कोई चीज निकालते हैं या उत्सर्जन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।